आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा षष्ठी के सभी भैया बहनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों, आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पाठ द्वितीय विविधता एवं भेदभाव के अंतिम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि विविधता के कारण किस प्रकार से भेदभाव फैलता है, भेदभाव होता है और इस भेदभाव को या भेदभाव ने किस समाज के वर्ग को प्रभावित किया है और उस वर्ग ने इस भेदभाव के लिए किस प्रकार अपनी आवाज उठाई थी और किस प्रकार से वह समय समय पर इस भेदभाव से शोषित हुआ। तो जो लोग भेदभाव से शोषित हुए हैं उन्होंने भी समय समय पर इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने प्रयास किया था कि हमें भी समाज में वह स्थान मिले जिसका वो हकदार है। तो आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष समाज के दबे कुचले निम्न वर्ग, दलित वर्ग, अछूत वर्ग जो समाज में हाशिए पर थे उन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया है जो सामाजिक अवस्था से पीड़ित थे। तो ये संघर्ष वर्तमान में ही नहीं, जिस समय देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय से ये संघर्ष चला रहा है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय देश के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई तो लड़ी रहे थे लेकिन अपने देश की जो सामाजिक व्यवस्था के कारण और अपने देश के लोगों द्वारा बनाए गए रीति रिवाज कानूनों के खिलाफ भी वो लड़ रहे थे। तो इसमें मुख्यतः निम्न दलित वर्ग के लोग थे जो समाज की सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित थे क्योंकि उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जाता था, उनके बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, समाज में उच्च वर्ग के साथ में बैठने का अधिकार नहीं था, एक प्रकार से अछूतों जैसा उनके साथ में व्यवहार होता था। तो इसके खिलाफ निम्न वर्ग दलित वर्ग के लोगों ने आवाज उठाई थी और उस समय की सरकार के खिलाफ अपनी मांगे भी रखी थी। इसके बाद कुछ और वर्ग थे जैसे समाज में जो महिलाएं थी उन्होंने भी जो समाज उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार नहीं थे, उनको केवल घर संभालने का काम ही दिया गया था, वो समाज में पुरुषों के बराबर किसी प्रकार के कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकती थी, समाज के जो उच्च पदों पर थे उच्च पदों पर उनको नहीं बिठाया जाता था, उन्हें किसी प्रकार की आजादी नहीं थी जो पुरुष वर्ग को थी। तो महिलाओं ने भी अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उस समय आवाज उठाई थी, संघर्ष किया था अपना हक प्राप्त करने के लिए कि उन्हें भी वही मौका मिले जो एक पुरुष को समाज में मिलता है, उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिले, वे भी स्कूल जाए, वे भी पढ़े। तो इस प्रकार की मांग महिलाओं ने भी की थी। इसके अलावा उस समय जो किसान वर्ग था जो जमींदारों से पीड़ित था क्योंकि जमींदार से ऊंची दर पर ब्याज देते थे, उनके खेत वगैरह थे वे भी ब्याज नहीं चुका पाने के कारण वे उन्हें जब्त कर लेते थे, हथियार लेते थे। तो किसान वर्ग ने भी जमींदार वर्ग के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसने भी अपने आप को शोषित पाया था और वे भी जमींदारी प्रथा से मुक्ति चाहते थे, वे भी अपनी जमीन जो उनके पास में जमींदारों के पास में गिरवी पड़ी थी वे उसको प्राप्त करना चाहते थे। तो कहने का मतलब है समानता के लिए, हक के लिए ये जो संघर्ष है ये अंग्रेजों के समय से लगातार चला आ रहा है और ये तब तक चलता रहा जब तक उनको ये अधिकार नहीं मिला। उसके बाद में जब देश में जन जागृति फैली, समाज के अंदर कुछ महापुरुषों का उदय हुआ, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ, उन्होंने इस समानता के संघर्ष को अपने हाथ में ले लिया। इसमें सबसे पहला नाम आता है भीमराव अम्बेडकर का। भीमराव अम्बेडकर खुद एक बहुत ही दलित जाति के थे, निम्न वर्ग के थे क्योंकि उनके साथ में भी बचपन में इस प्रकार का भेदभाव हुआ था। तो उन्होंने भी इस भेदभाव को मिटाने का एक उपाय माना अच्छी शिक्षा, यदि सभी लोग शिक्षित होंगे तो वे इस बुराई से निजात प्राप्त कर सकेंगे, इस पर सफलता प्राप्त कर सकेंगे और ये बुराई शिक्षा के द्वारा ही खत्म हो सकती है। तो भीमराव अम्बेडकर ने भी अच्छी शिक्षा प्राप्त की और
जो दलित वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था, समाज का शोषित वर्ग था, उसकी हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी और अंग्रेजों के समय में भी उन्होंने दलितों के हक के लिए आवाज उठाई थी। इसके बाद जब हमें देश को आजादी प्राप्त हो गई, इसके बाद भीमराव अम्बेडकर को ये काम सौंपा गया था कि आप देश का संविधान लिखें और भारत की जनता के अनुरूप वो संविधान होना चाहिए। तो भीमराव अम्बेडकर ने सबसे जो ज्यादा प्रमुखता दी वो इन्हीं दलित वर्ग को दी, क्योंकि समाज में ये शोषित वर्ग था और समानता के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहा था। तो संविधान में किन दलित वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए जिससे इन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके। तो जब संविधान लिखा गया तो संविधान में भीमराव अम्बेडकर द्वारा ये बातें लिखी गई कि अब किसी के साथ में जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। छुआछूत को एक अपराध माना गया, जो कोई व्यक्ति किसी दलित व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार करेगा वह दंड का भागीदार बनेगा। इसके अलावा देश की सभी संस्थानों पर सभी वर्गों का एक समान अधिकार होगा, सभी को उसको उस तक पहुंचने का हक मिलेगा और सभी लोग बराबरी के माने जाएंगे, किसी के साथ में उस नीच के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये प्रावधान भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में किए। इसके अलावा महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, किसी भी महिला के साथ में केवल लिंग के आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं होगा। समाज के किसी भी क्षेत्र में महिला को भाग लेने का अधिकार होगा, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, उस पर किसी प्रकार की पाबंदियां नहीं होगी। तो इस प्रकार के प्रावधान संविधान में भीमराव अम्बेडकर ने रखे और कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के साथ में धर्म के जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, वह सरकार बिल्कुल धर्म निरपेक्ष होगी, ये सरकार का प्रमुख दायित्व होगा। तो इस प्रकार से समाज में निम्न वर्ग दलित वर्ग के उत्थान के लिए कई देश प्रबुद्ध वर्ग लोगों ने, महापुरुषों ने कार्य किए हैं और हमारे देश का संविधान भी अभी इसी प्रकार का है कि अब उनको वो समान ताकि लिए कई प्रकार की सुविधाएं भी मिली हैं, उनको आरक्षण मिला है जिससे उन्हें नौकरियां मिल सके, वे अपने आप को सभी बना सके और समाज में भी अपना कुछ स्थान बना सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो समानता का संघर्ष है वो आजादी के बाद में वो समानता का संघर्ष धीरे धीरे अब खत्म होने लगा है। अब निम्न वर्ग, दलित वर्ग, इन सबको बराबर मौका मिल रहा है, वो भी समाज के हर कार्य में भाग लेते हैं, मंदिरों में प्रवेश उनका अब वर्जित नहीं है, अब वो कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी सामाजिक कार्य में भाग ले सकते हैं, उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारी समस्याएं शिक्षा के साथ में दूर हो गई है। तो आज का अध्याय अब इन्हीं दो बिंदुओं के साथ में पूर्ण होता है। अगला जो अध्याय होगा उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।